सो हाई एवरी वन, दिस इज़ रानी नसीम। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो यार अभी बज रहे हैं शाम के 4 या दोपहर के 4 बज रहे हैं, और अभी मैं जा रही हूँ कहीं क्योंकि एक इवेंट है, तो उसकी मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो उसके लिए एक दो चीज़ें अगर मुझे मिलगी तो हम ख़रीद लेंगे। और इसके साथ साथ मुझे सैलून जाना है, ठीक है? तो वहाँ जाएंगे, नेल्स करवाने हैं, और चलो फिर चलते हैं। हाँ यार, तुम लोगों को बता दूँ कि कॉलेज का इवेंट है मेरा, कोई शादी ब्याह नहीं है, कॉलेज का इवेंट है। उस दिन लग रहा था सर्दियाँ आ गई हैं, अभी लग रहा है गर्मियाँ आ गई हैं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। धूप बहुत तपी हुई है। कपड़े जगह चेक करो, ये जगह जो नहीं है सारी, ये बिना मेरी अम्मी और मामू लोगों ने मिल के ना इसको बनाया, कुछ लगाने के, थोड़ी फार्मिंग शार्मिंग करने के लिए यहाँ पर। और ये देखो, चेक करो इनको, पता नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा शौक नहीं है इन चीज़ों का, पर ये मैं स्पेशली आके दिखाऊंगी जब ये लोग लगाएंगे ना, सारा कुछ बताऊंगी। यार तो मैंने भी सैलून जाके ना तो नेल्स करवाने, पर ये देखो, ये मेरे डिंगे पड़ेंगे, मेरी बहन ने मारी हैं। मेरे बालों का क्या हाल हो रहा है, शीशे तो बंद करो। बाहर आके मेरे बालों को क्या हो जाता है, तो यार तुम लोग कहोगे कि इतनी थकी हारी लग रही है, पता नहीं क्या सुस्त हुई है। मैं वैसे हर व्लॉग में बहुत सुस्त होती हूँ, पर आज कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सुस्ती मची हुई है, प्रोमैक्स सुस्ती चढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यार एक तो मैं देख आ रही थी अपना एवोल्यूशन टेस्ट देख आ रही थी केमिस्ट्री का, वो कुछ खास नहीं हुआ मेरा। और दूसरी बात ये कि रात को जो है ना मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और फिर मैं जागती रही, और सुबह मैं कोई थोड़ी देर सोकर ही चली गई कॉलेज। और उसके बाद मैं आई कॉलेज से, मैंने खाना शाना खाया, और उसके बाद मैं अब यहाँ सर जा रही हूँ क्योंकि अब मेरी कॉलेज का इवेंट है, तो उसकी तैयारी थोड़ी सी करनी थी मुझे, क्योंकि उसको मैंने देखा भी नहीं है कि मैंने क्या पहनना है, मैंने क्या करना। तो बस मुझे ड्रेस का पता, वो भी घर से ही मैंने निकाला, तो वो है मेरे पास। और उसके साथ मैंने कहा मैं नेल्स वगैरह करा लेती हूँ। और हाँ यार, तुम लोगों को बताती चलूँ कि मैंने डायरेक्ट यहाँ से सैलून नहीं जाना, मैंने अपनी बहन को रास्ते से पिक करना, बहन मेरी आएगी, फिर एक दो मैं चीज़ लेनी है, अगर वो हमें वहाँ से मिल गई जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ से मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सैलून चले जाएंगे और फिर देखेंगे कि हमने कहाँ से लेने जा रहे हैं। जैसे मैंने नेल पेंट तो नहीं, क्योंकि मैंने नेल अगर वो करवाने हैं तो वहीं से हो जाएगा वो। तो यार मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, F10 वर्कर्स इस्लामाबाद। तो हम यहाँ पे जो है ना अपनी फैंस से मिल रहे थे। आना कैमरा, अच्छा ये ले, नाते ना सही। हाँ, और सम पीपल याद भी करते हैं वैसे। आप आ गई हैं बीच में, नहीं आप नहीं आई, पार्टी की बात कोई नहीं। पार्टी की तैयारी का मकसद बताऊं क्या है? हाँ। कि अभी हमारे एवोल्यूशन टेस्ट हुए हैं 60-60 नंबर के, आज आखिरी में देख आई हूँ, और मंडे को पार्टी है। बड़े तेज़ हैं ये मेरे कॉलेज वाले, पहले ले ली। हाँ, लालच दे के पार्टी दी। हाँ ओके ओके, बाय बाय, आते हैं वापस। हेलो, एक्सपेंसिव हो गया सारा कुछ, मैं तो सुन के ही हैरान, पर क्या करें, मजबूरी है, अब कराना भी पड़ेगा। मेरे तो बुरे हाल बांके दिहाड़े हो गए।
जाएगा। थ्रेडिंग मैंने करवा ली, मैं कराने लगी नेल्स। यार ये पर्पल कहाँ से है? मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा आप बताओ इन दोनों में फर्क है? डार्क ये वाला कर लेते हैं। डार्क अच्छा लगेगा। डार्क लगाने से ना मेरे हाथ मतलब मुझे लगता है डल लगेंगे। मुझे चेक कर लो जैसे आपको। बताओ फर्स्ट वाला ठीक है ना? समझिए क्योंकि अगर दूसरे में जाऊँगी तो मेरा ड्रेस भी तो है ना, वो उसके साथ कितना अजीब लगेगा। ग्रे के साथ रेड अच्छा लगता है, वो शादी भी हो जाएगा अच्छा लगेगा। कॉलेज में तो वो अजीब ही लगेगा। A few minutes later. तो यार अब मैं वापस जाने वाली हूँ घर, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। यार अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और जो मैंने चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली नहीं, उसके लिए मुझे दोबारा कल जाना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो गया है। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाय।